देखिए भाई, कभी भी इमरजेंसी में अगर पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है और लोन लेने के लिए आपके पास में किसी भी प्रकार का इनकम प्रूफ नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है L&T फाइनेंस लोन एप्लीकेशन। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है, एवरेज ठीक ठाक सिविल स्कोर पर आपके लिए ठीक ठाक लोन ऑफर निकाल कर दे सकती है। तो भाई, आज के इस वीडियो में हम L&T फाइनेंस लोन एप्लीकेशन का कम्प्लीट रिव्यू देने वाले हैं। एप्लीकेशन कितनी सही है, कितनी गलत है, आपके लिए कितने रुपये का लोन ऑफर ये एप्लीकेशन दे सकती है, आपका जितना लोन मिलेगा इस लोन पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी, ए टू जेड प्रोसेस इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो भाई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले एप्लीकेशन को हम प्ले स्टोर पर ओपन कर लेंगे और सबसे पहले एप्लीकेशन की हम रेटिंग देखेंगे। भाई, एप्लीकेशन की 4.3 की यहां पर रेटिंग मिली हुई है, जो कि काफी अच्छी रेटिंग है। आप किसी भी एप्लीकेशन से अगर लोन ले रहे हैं तो एप्लीकेशन की 4+ रेटिंग होगी तो एप्लीकेशन ठीक ठाक यहां पर मानी जाएगी। हम यहां पर डाउनलोडिंग की बात करते हैं तो भाई, लोगों ने एप्लीकेशन को 1 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। इसकी डाउनलोडिंग भी काफी अच्छी है। अगर हम यहां पर रिव्यूज़ पर चलकर देखेंगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर रिव्यूज़ भी दिए गए हैं और लोगों ने यहाँ पर स्टार के तौर पर 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार की यहाँ पर रेटिंग दी गई है। अब चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर अबाउट सेक्शन में चलेंगे कि एप्लीकेशन कितनी ट्रस्ट है। तो आप यहाँ पर ऊपर में देखेंगे एप्लीकेशन NBFC RBI से रजिस्टर्ड है, तो आप भाई ट्रस्टली एप्लीकेशन में अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर नीचे देखेंगे तो एप्लीकेशन भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन पूरे 10,000 रुपये से लेकर पूरे 25 लाख रुपये तक का लोन ऑफर आपको निकाल कर दे देगी। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर डिपेंड करेगा, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको अच्छा अमाउंट ही एप्लीकेशन प्रोवाइड करवा देगी। अगर आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक है तो यहाँ पर 10-20-50 हज़ार रुपये का तो लोन आपको दे ही देगी। अगर हम यहाँ पर टाइम पीरियड की बात करते हैं तो भाई एप्लीकेशन 12 महीने से पूरे 60 महीने का टाइम दे देती है। अगर बिग अमाउंट का आपको लोन मिल जाता है तो ज़्यादा टाइम मिलेगा, अगर कम अमाउंट का लोन मिलेगा तो यहाँ पर लगभग 12 महीने का टाइम तो यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर 10% से लेकर 26% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी आप ना के बराबर मान के चले। 26% या फिर 10% तो नहीं, पर कम से कम यहाँ पर 30% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट ये एप्लीकेशन लेगी। तो यहाँ पर आप एग्जांपल के तौर पे भी यहाँ पर अबाउट सेक्शन में आकर देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन मिलता है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, कितना टोटल अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में भेजेगा, कितना आपको EMI बनेगी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर इंस्टॉल एप्लीकेशन को कर लेंगे और अबाउट सेक्शन में क्या लिखा है क्या नहीं ये मैं नहीं मानता। यहाँ पर मैं लाइव अप्लाई करके देखूंगा और कितने रुपये का लोन बनता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, वो अब हम यहाँ पर लाइव देखने वाले हैं। तो भाई, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड होकर सक्सेसफुली यहाँ पर ओपन हो चुकी है। हम नीचे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे एंड एप्लीकेशन में सभी चीज़ों को हम यहाँ पर अलाउ कर देंगे, परमिशन वगैरह को। हमारी सुटेबल लैंग्वेज हम यहाँ पर चुन लेंगे तो इंग्लिश पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। भाई, सबसे पहले एप्लीकेशन में जो आप नंबर देना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। लोग जो गलती करते हैं भाई, यहाँ पर अनाप शनाप ऐसे ही कुछ मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं, तो वही मोबाइल नंबर आपको डालना है जो कि मोबाइल नंबर आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक हो। मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे, एक OTP से आप अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेंगे। भाई, OTP से मोबाइल नंबर को वेरीफाई करते ही आपको 4 डिजिट के पिन यहां पर बना लेने हैं और अपनी इस एप्लीकेशन में सक्सेसफुली आपको अंदर आ जाना है, यानी कि लॉगिन हो जाना है। अब भाई, एप्लीकेशन में अंदर आने के बाद में आपको यहां पर काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। आप यहां पर लोन लेने के अलावा काफी सारी अदर सर्विसेज में भी काम कर सकते हैं, या फिर 2-व्हीलर लोन, बिजनेस लोन, होम लोन के लिए भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई, हम यहां पर पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं तो आपको यहां पर ऊपर में ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इंस्टेंट पर्सनल लोन, आप यहां पर कॉर्नर में देख सकते हैं। तो भाई, इसी के जस्ट नीचे आपको यहां पर अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन से हो रहा होगा, सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे यहाँ पर 2 स्टेप्स के अंदर डिटेल्स मांगी जा रही है, तो आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल यहाँ पर अपनी फिल करनी है एंड आप पर्सनल डिटेल डालते ही आप अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक करेंगे कि आपको ये एप्लीकेशन कितने रुपये तक का लोन ऑफर दे सकती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आप जो फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम हम यहाँ पर फिल करेंगे, लास्ट नेम यहाँ पर डाल देंगे एंड हमारी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे फिर से हमारी जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे, गेट OTP पर क्लिक करेंगे, OTP से मोबाइल नंबर को एक बार फिर से वेरीफाई कर लेंगे, ईमेल ID यहाँ पर फिल कर देंगे एंड हमारी जो भी पिन कोड है वो पिन कोड हम यहाँ पर डाल देंगे एंड हमारी जो भी पैन कार्ड के नंबर है वो पैन कार्ड के नंबर हम यहाँ पर फिल करके वैलिडेट पैन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमसे यहाँ पर पूछा जाए सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि आप सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉय है। अगर किसी भी काम के बदले पर मंथ आपके अकाउंट में पैसा आता है तो आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन चुन सकते हैं, या फिर कोई भी जुगाड़ कर करके आप पैसा कमाते हैं तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय पर भी क्लिक कर सकते हैं। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर आप क्लिक करेंगे और आपकी जो भी एजुकेशन है, मास्टर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट
ग्रेजुएट है, नॉन ग्रेजुएट है, वो आप अपनी एजुकेशन यहाँ पर आप चुन लेंगे। के बाद भाई आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है रेजिडेंस एंड ओनरशिप, यानी कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस घर पर आप रह रहे हैं वो आपका खुद का घर है, तो आप यहाँ पर ओनर पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर भाई आप रेंट पर रह रहे हैं तो आप रेंट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तुम्हारा खुद का घर है तो हम यहाँ पर ओनरशिप पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, यहाँ पर बाई डिफॉल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 7 लाख लिखा हुआ रहता है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर अमाउंट को कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। तो भाई मैं यहाँ पर 50,000 रुपये का अमाउंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पर नीचे टर्म्स पर क्लिक करूँगा एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँगा। मैं जैसे नेक्स्ट के बटन पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो भाई यहाँ पर मैंने सारी चीज़ यहाँ पर फिल कर ली है एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नाम और यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन लिखकर आ चुका है और हमारी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए नीचे हम अब कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक की जा रही है और हमें पता लगेगा कि हम कितने रुपए लोन के लिए ऑफर हमारे लिए निकल कर आ जाता है। तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन लिखकर आ चुका है और हम पूरे 50,000 रुपये लोन के लिए एलिजिबल है, यानी कि 50,000 रुपये लोन ऑफर हमारे लिए निकल कर आ चुका है और वो भी पूरे 12 महीने के लिए। तो इस 50,000 रुपये लोन को अब हमारे बैंक अकाउंट में हम आपको लेकर दिखाने वाले हैं, यानी कि 12 महीने के लिए मुझे ये 50,000 रुपये ये एप्लीकेशन ऑफर निकाल कर दे चुकी है। तो ये पैसा लेने के लिए हम नीचे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं भाई मैं आपको यहाँ पर बता दूँ जो मुझे 50,000 रुपये का लोन ऑफर निकला है ये सबके लिए अलग अलग यहाँ पर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको भी यहाँ पर 50,000 रुपये ही का ही ऑफर निकलेगा, आपके लिए 10,000 रुपये का भी निकल सकता है, 20,000 रुपये का भी निकल सकता है या फिर 30-40,000 रुपये का भी निकल सकता है। हमारे केस के अंदर ये ऑफर हमें 50,000 रुपये का दे रहा है तो ये 50,000 रुपये हमारे अकाउंट पे हम 12 महीने के लिए लेंगे। तो नीचे हम यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपनी नॉमिनी की डिटेल यहाँ पर डालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप अपने परिवार में जिसको भी चाहे उसको आप यहाँ पर नॉमिनी बना सकते हैं। तो आप अपना नॉमिनी का नेम यहाँ पर डाल देंगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे एंड नॉमिनी का जो भी जेंडर है वो चुन लेंगे, नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। नॉमिनी की डिटेल डालने के बाद में अब आपके आधार कार्ड के थ्रू आपको जो केवाईसी है उस केवाईसी को आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा, तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके आप अपनी केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड रेजिडेंट डिजीलॉकर पर आप नीचे क्लिक करेंगे। डिजीलॉकर पर क्लिक करते ही भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो भी आधार कार्ड के नंबर है वो आधार कार्ड के नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है, नीचे कैप्चर कोड आपको दिखाई दे रहे होंगे एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी को फिल करके आप अपने आधार कार्ड को यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे जिससे कि आपकी जो आधार कार्ड की ई केवाईसी है यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है और आपके आधार कार्ड के थ्रू आपकी जो भी डिटेल है यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच कर ली जाती है। जब आप अपने आधार कार्ड के थ्रू आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेलेक्ट करंट एड्रेस प्रूफ, आपको अपना एड्रेस प्रूफ यहाँ पर देना होगा जिसके अंदर आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो भाई आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे एंड एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी भाई आप अपना आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो आधार कार्ड की बैक एंड फ्रंट फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे एंड अपलोड फोटो, आपकी जो खुद की फोटो है उस फोटो को भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आप अपनी फोटो यहाँ पर अपलोड कर देंगे एंड आपको जो भी करंट एड्रेस के तौर पर आपको अपनी करंट एड्रेस की डिटेल्स यहां पर फिल करनी है। तो कुछ ये बेसिक्स डिटेल है वो आप अपने हिसाब से यहां पर कंप्लीटली फिल कर लेंगे। ये सारी चीजें आप यहां पर अपलोड कर लेंगे और सारी डिटेल आप यहां पर फिल कर लेंगे तो फाइनल सबमिट के बाद में एक लोन एग्रीमेंट आपके सामने निकल कर आ जाएगा। उस लोन एग्रीमेंट को आप यहां पर ओटीपी के थ्रू ऑटो साइन कर देंगे। जब ओटीपी के थ्रू आप लोन एग्रीमेंट को ऑटो साइन कर देते हैं तो आपका जो लोन है यहां पर सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है। हम आपको यहां पर लाइव अप्लाई करके दिखाएंगे। आप यहां पर देखेंगे जब आप अपने लोन एग्रीमेंट को यहां पर सक्सेसफुली साइन कर देते हैं तो आपका जो लोन है यहां पर सक्सेसफुली यहां पर सबमिट हो जाता है। लगभग 1 से 2 घंटे तक जो L&T फाइनेंस की टीम है वो आपकी इस एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगी, अच्छे से मैनुअल चेक करेगी, सब चीज यहां पर फाइनल अच्छे से पाई जाती है और लोन पाने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो लगभग 1 से 2 घंटे के भीतर आपका जो लोन का पैसा है आपके बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो भाई कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को आप फॉलो करके L&T फाइनेंस से आप विदाउट इनकम प्रूफ के ही लोन प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी इस वीडियो के अलावा आपको और भी कोई कंफ्यूजन फिर सवाल जवाब है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।